हेलो स्टूडेंट्स, आज के मैट्रिक्स के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड से हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को थ्री वेरिएबल में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आज हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्रैमर रूल से थ्री वेरिएबल के अंदर जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, और आज हम डिस्कस कर रहे हैं मैट्रिक्स मेथड। तो मैट्रिक्स मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं थ्री इक्वेशंस को जो एक्स वाई जेड वेरिएबल्स के अंदर हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो इक्वेशंस हैं उसको अपन किस तरीके से लिखेंगे। पहले सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन थ्री वेरिएबल। अब यहां से हमारे पास जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है वो किसके अंदर, थ्री वेरिएबल्स में। तो वो क्या है, सबसे पहली इक्वेशन हमारे पास ए वन एक्स, बी वन वाई, सी वन जेड इज इक्वल्स टू डी वन। सेकेंड हमारे पास है ए टू एक्स, बी टू वाई, सी टू जेड इज इक्वल्स टू डी टू। एंड थर्ड ए थ्री एक्स, बी थ्री वाई और सी थ्री जेड इज इक्वल्स टू डी थ्री। यानी x, y और z के अंदर जो हमारे पास इक्वेशन है वो लेफ्ट साइड में रहनी चाहिए और जो कांस्टेंट है वो राइट साइड में रहना चाहिए। जब ऐसा है तो हम मैट्रिक्स मेथड में इसको लिखेंगे कैसे, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है। तो यहाँ से हम इसको लिखेंगे ए एक्स इज इक्वल्स टू बी। क्या लिखा मैंने, कैपिटल ए कैपिटल एक्स इज इक्वल्स टू बी। यानी इसी सिस्टम को, जो इक्वेशंस का सिस्टम है, इसको अपन क्या लिखेंगे, ए एक्स प्लस बी। अब जब ये हमारे पास ऐसा होगा, ठीक है, तो इसको हमने कैसे लिखा, वेयर ए का मतलब क्या है यहाँ पे, यानी मैट्रिक्स ए, कौन सा मैट्रिक्स है हमारे पास ए, एक्स वाई और जेड जितने भी वेरिएबल्स हैं इसके अंदर जो कोफिशियंट है उनका मैट्रिक्स। तो फर्स्ट रो कौन सी हो जाएगी, ए वन, बी वन और सी वन, ए टू, बी टू और सी टू, ए थ्री, बी थ्री और सी थ्री। ये हमारे पास क्या हो गया, मैट्रिक्स से ए हो गया। इसके बाद एक्स क्या है अपने पास, यहां पे एक कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक है, कौन सा, कैपिट एक्स वाई और जेड जो वेरिएबल है ना उनका मैट्रिक्स, एक्स वाई और जेड का। एंड बी मैट्रिक्स जो है वो अपने पास है कॉलम मैट्रिक्स किसका, कांस्टेंट का, डी वन, डी टू और डी थ्री, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स, ए वन, बी वन, सी वन, ए टू, बी टू, सी टू, ए थ्री, बी थ्री और सी थ्री का। एक्स अपने पास क्या है, जो वेरिएबल्स हैं उनका कॉलम मैट्रिक्स है, और बी हमारे पास क्या है, जो कांस्टेंट है उनका आपके पास कॉलम मैट्रिक्स है। तो ये जो फॉर्मेट है ये शॉर्ट फॉर्म में, यानी मैट्रिक्स मेथड में कैसे लिखा जाएगा, ए एक्स इज इक्वल्स टू बी से, और ए बी क्या क्या होंगे वो अपन ने क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया यहां पे, ठीक है, ए एक्स और बी आ गए। अब हम बात करते हैं कि अपने पास अब ये सॉल्व कैसे होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो देखो सॉल्यूशन में आपके पास क्या होने वाला है, यहां पे ए आपको पता लग गया, एक्स वाई और बी। अब देखो ये हमारे पास सिस्टम है तो हम क्या करेंगे, यहां पे दोनों तरफ ए इनवर्स से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको।
तो ए इनवर्स और ए ये हो जाता है आई, कितने ऑर्डर का है ये, थ्री ऑर्डर का है, तो आई थ्री हो जाएगा, तो ए इनवर्स बी। अब किसी भी मैट्रिक्स को एक्स को आई से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स ही आना है, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, ए इनवर्स बी। तो एक्स हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो इससे आएगा, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ठीक है। तो यहां से आप देखें अब आप कि हमारे पास एक्स है, ए इनवर्स को अपन क्या बोलते हैं, एड जॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये तो बी इसके साथ प्रोडक्ट है, अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये हमारे पास एक्स होगा यहां पे, वेयर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। यानी इस सिस्टम को सॉल्व करने के लिए, यानी एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करने के लिए, एक्स किसके इक्वल है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी के इक्वल है, अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए, ठीक है ना, जीरो भी हो सकता है, अलग अलग केसेस बनेंगे, है ना, और आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू जीरो भी हो सकता है, तो अलग अलग कैटेगरीज बनाएंगे जब अपने पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू जीरो है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू जीरो है उस केस में। ऐसे ही अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो एडजॉइंट ए है ये एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है और बी भी एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। जब टू मैट्रिक्स का अपन क्या ले लेंगे, प्रोडक्ट ले लेंगे, किसकी बात कर रहा हूं मैं, टू मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है, तो वो एक मैट्रिक्स बन जाएगा, वो मैट्रिक्स है। अब वो मैट्रिक्स के अंदर क्या होगा, वैल्यू क्या हो सकती है उसके अंदर, सारे एलिमेंट जीरो हो जाएं तो जीरो सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना, जब सारे एलिमेंट्स जीरो नहीं हो, जैसे 1 2 3 ऐसा कुछ आ जाए तो वो यूनिक सॉल्यूशन हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे केसेस बनेंगे कि जब ये सारे, ये जो मैट्रिक्स बनेगा प्रोडक्ट होके, ये जीरो हो सकता है, ये जीरो नहीं हो सकता है, दो केसेस होंगे, ठीक है। तो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स हमारे पास है, इसको मैट्रिक्स मेथड में क्या लिखेंगे, कैपिटल ए इंटू कैपिटल एक्स इज इक्वल टू बी। अब हमारा जो सॉल्यूशन होगा इसमें वो कैपिटल एक्स होगा, वो किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल होगा, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो भी हो सकता है और इज इक्वल टू जीरो भी हो सकता है। अब इसी को यूज करते हुए हम इसके सॉल्यूशंस की कैटेगरी डिसाइड करते हैं कैसी कैसी। देखो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सिंस कैपिटल एक्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए इनटू कैपिटल बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये होता है, ठीक है। अब हमने जो सिस्टम लिया है, ठीक है, वो दो तरीके का होता है। सबसे पहले इफ ए एक्स इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, यानी जो हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लिया है उसमें डी वन डी टू डी थ्री की वैल्यू दी हुई हो, यानी वो जीरो नहीं हो, देन सिस्टम इज नॉन होमोजीनियस। कैसा है, नॉन होमोजीनियस है, यानी एक तो होता है होमोजीनियस, एक होता है नॉन होमोजीनियस, यानी डी वन डी टू डी थ्री अगर जीरो नहीं है सारे तो नॉन होमोजीनियस होने वाला है। अगर आपके पास डी वन डी टू डी थ्री सारे जीरो जाएंगे तो वो कैसा होगा, होमोजीनियस होगा। तो दो कैटेगरीज हैं इसमें। अब हम बात करते हैं फर्स्ट, अब आप देखें इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू जीरो एंड एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। देखो मैं क्या लिख रहा हूं यहां पे कि हमारा डिटर्मिनेंट
ए भी जीरो नहीं है, और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी यानी दोनों मैट्रिक्स का क्या कर दिया हमने, प्रोडक्ट कर दिया, तो ये भी अपने पास क्या नहीं है, जीरो नहीं है, ठीक है। देन सॉल्यूशन इज यूनिक, कैसा सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है ना, यानी कुछ ना कुछ x की वैल्यूज आएंगी, जैसे आ सकता है 1, -1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो जब आपको पता है जब सॉल्यूशन होता है, यानी आपके पास सॉल्यूशन है, यूनिक है, जीरो है या इनफाइनाइट है, तो सिस्टम कैसा होता है, सिस्टम इज कंसिस्टेंट, कैसा सिस्टम होता है, कंसिस्टेंट होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कंसिस्टेंट कब कब होता है, जब आपके पास सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन होने का मतलब होता है तीन कैटेगरीज, एक तो यूनिक सॉल्यूशन, एक जीरो सॉल्यूशन, एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तीनों ही केसेस के अंदर हमारा सिस्टम कैसा होता है, कंसिस्टेंट होता है। अब दूसरी बात यहां पर डिस्कस करते हैं, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो एंड एड जॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू जीरो, देन जीरो सॉल्यूशन, कैसा सॉल्यूशन, जीरो सॉल्यूशन, यानी अब हमारा सॉल्यूशन कैसा हो गया, जीरो। अब आप खुद देखो, जब ये पूरा मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, उसके अंदर किसी भी नॉन जीरो वैल्यू से डिवाइड करोगे तो वो पूरा मैट्रिक्स कैसा रहना है, जीरो ही रहना है, ठीक है। तो एक्स अपने पास क्या हो गया, जीरो हो गया ना, जीरो सॉल्यूशन हो गया, यानी जीरो मैट्रिक्स बन गया, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, जीरो सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन तो है, तो ये अपने पास कैसे सॉल्यूशंस हो गए, देखो इसको अपन बोलेंगे कंसिस्टेंट, यानी ये सॉल्यूशन कैसा हो गया, कंसिस्टेंट। एक तो ये इंपॉर्टेंट बात, और एक इसको बोलेंगे ट्राइवियल सॉल्यूशन, कैसा सॉल्यूशन, ट्राइवियल सॉल्यूशन। तो ट्राइवियल सॉल्यूशन का मतलब है जीरो सॉल्यूशन है तो कैसा सॉल्यूशन है, ट्राइवियल सॉल्यूशन। तो यहां पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल्स टू जीरो, तो हमारे पास कैसा सॉल्यूशन आ जाएगा, जीरो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन है यानी जीरो सॉल्यूशन, तो कंसिस्टेंट हो गया, और जीरो सॉल्यूशन को ही क्या बोलते हैं, ट्राइवियल सॉल्यूशन बोलते हैं। तो इसके अंदर जब नॉन होमोजीनियस है तो दो कैटेगरी डिफाइन हो गई, एक यूनिक सॉल्यूशन और एक जीरो सॉल्यूशन। अब हम थर्ड की बात करेंगे इसमें, थर्ड अपने पास क्या है इसमें, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो हो जाए एंड एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू जीरो, यानी दोनों ही अपने पास क्या हो गए, जीरो हो गए, क्या डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी जीरो हो गया और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी भी अपने पास क्या हो गया, जीरो हो गया। तो इस केस के अंदर हमारे पास क्या होगा, देन इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, कितने सॉल्यूशंस हो जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो जाएंगे अपने पास। तो ये ध्यान रखना है कि दोनों जीरो होने चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू जीरो, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो ये कंसिस्टेंट भी है, क्योंकि सॉल्यूशंस तो है ही, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, और ये नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन। कैसे सॉल्यूशंस हैं, नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशंस। तो नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो होती है और एडजॉइंट ए इंटू बी भी क्या होता है, एक जीरो मैट्रिक्स होता है। अब अपन फोर्थ पे चलते हैं, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू जीरो एंड एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, देन
नो सॉल्यूशंस, कोई सॉल्यूशंस नहीं है। डिटरमिनेंट ऑफ ए ज़ीरो हो जाए और ये दोनों का प्रोडक्ट जीरो मैट्रिक्स नहीं हो तो नो सॉल्यूशंस, और नो सॉल्यूशंस है तो ये हमारे सॉल्यूशंस कैसे हैं, इनकंसिस्टेंट। सॉल्यूशन कैसा हो गया, इनकंसिस्टेंट, और आपके पास यही एक सॉल्यूशन होगा जो कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। बाकी तीनों कैटेगरीज के अंदर क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। तो नो सॉल्यूशन कब, डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो हो और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये कैसा हो जाएगा, नो सॉल्यूशंस, और कैसा हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे। तो ये अपने पास कैटेगरीज थी किसकी, जब हमारे पास कैसा है, नॉन होमोजीनियस सिस्टम है, यानी डी वन डी टू डी थ्री की वैल्यू मौजूद है किसके अंदर, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के अंदर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बी कैटेगरी लेते हैं अपन इसमें, है ना, कौन सी कैटेगरी, बी, इफ कैपिटल ए एक्स इज इक्वल टू जीरो देन सिस्टम इज होमोजीनियस। कैसा है, होमोजीनियस है, यानी अब आप ये देखो कि हमारे पास बी कंप्लीटली कैसा है, डी यानी डी वन डी टू ये जीरो है, तो यहाँ से आपके पास सारी वैल्यूज यहाँ पे क्या हो सकता है, फर्स्ट केस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू जीरो होगा, कैसा होगा, जीरो भी हो सकता है और नॉट इक्वल्स टू जीरो, दो कैटेगरी हैं। देन आपके पास x की वैल्यू ज़ीरो, y की वैल्यू ज़ीरो और z की वैल्यू ज़ीरो होगी 100%, क्योंकि आप यहाँ से देखो a इनवर्स से मल्टीप्लाई करते ही x इज इक्वल्स टू क्या आएगा, a इनवर्स इंटू ज़ीरो आएगा, तो x किसी भी जीरो मैट्रिक्स से प्रोडक्ट होगा तो ज़ीरो, यानी ये किसके इक्वल आएगा, ज़ीरो के इक्वल, तो x y z किसके इक्वल हो गया, जीरो मैट्रिक्स के, ठीक है ना, तो x की वैल्यू ज़ीरो, y की वैल्यू ज़ीरो और z की वैल्यू ज़ीरो, तो यहाँ पे दोनों ही केस के अंदर हमारे पास क्या होगा, जीरो सॉल्यूशन होगा यहां। तो सिस्टम कैसा, कंसिस्टेंट, और ट्रिवियल सॉल्यूशन, कैसा सॉल्यूशन, ट्रिवियल सॉल्यूशन। दूसरा केस क्या हो सकता है इसमें, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो एंड क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू जीरो और जेड इज इक्वल टू जीरो, तो कैसा हो जाएगा, ये भी जीरो और ये भी जीरो, यानी एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी भी जीरो, तो कैसा है, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट हो गया क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो गए ना, और नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशंस, तो दो ही केस बनेंगे क्योंकि ये जीरो होगा 100%, तो यहां पे एक ही कैटेगरी बनती है कि जब डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो और डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो हो, तो ट्राइवियल सॉल्यूशन और नॉन ट्राइवियल, दोनों ही केस अगर हमारे पास होमोजीनियस है तो 100% सॉल्यूशन कैसा होगा, कंसिस्टेंट ही होगा हमारा सॉल्यूशन। अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो है तो ट्राइवियल, और जब अपने पास डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो है तो नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशंस। तो ये इससे रिलेटेड कंसेप्ट थे। अब कैसे अपन सॉल्यूशन कर सकते हैं, तो इस पे अपन क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस ले रहे हैं और फिर देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसा होता है। अब देखो क्वेश्चंस लेते हैं अपन यहां पे। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको सॉल्व करना है। इक्वेशंस क्या है, x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू फोर,
2x plus y minus 3z is equals to 0. एंड थर्ड इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 2. अब आप देखो यहाँ पे कि हमारे पास जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो आपके पास है. अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए? सबसे पहले तो a चाहिए, ले लेते हैं 1 माइनस 1 और 1. दूसरा 2 1 माइनस 3 1 वन और वन, ठीक है. ये आ गया एक्स, हमें पता है एक्स वाई और जेड. एंड बी हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स 4 0 2 4 0 2, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करने वाले हैं, एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए और डिटरमिनेंट ऑफ ए. तो नाउ अब हम बात करेंगे किसकी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की. तो ये 1 माइनस 1 1, 2 1 माइनस 3 1 1 और 1. अब आप देखो इसको अपन क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं. तो ये रो और कॉलम से फर्स्ट रो से कर लेंगे. तो ये 1 प्लस 3, ये प्लस का 1, यहाँ से 2 प्लस 3 और ये 1 आ गया. तो यहाँ पे 2 माइनस 1, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपने पास कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 5 और ये प्लस 1. तो हम ये कह सकते हैं कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई. तो देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है. तो पहला केस भी आ गया अपने पास कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू अपन ने क्या कर ली, इसको सॉल्व कर ली, तो हमारे पास कितनी आ गई, 10 आ गई. तो ये सिंपली अपन सॉल्व करते हैं. अब देखो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई. तो ये अपन डायरेक्ट लिख लेते हैं कि ये कितना है, 10. एंड अब बात किसकी करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए की बात करेंगे. तो एडजॉइंट ऑफ ए अपने पास कैसे आता है, इसके रो और कॉलम को छोड़ने से, लेकिन आता है डिटर्मिनेंट से, ठीक है ना. तो वहाँ से अपन इसमें ले लेते हैं. तो कितना आएगा फर्स्ट के लिए, 1 माइनस माइनस प्लस 3 यानी 4 आ गया. इसके और इसको छोड़ देंगे तो 2 प्लस 3 5, तो माइनस के 5, क्योंकि यहाँ पे माइनस आएगा, 2 माइनस 1 ये 1 हो गया. अब इसके रो को और इसके कॉलम को छोड़ देंगे तो माइनस 1 माइनस 1 माइनस के 2 यानी प्लस के 2 आएंगे. इसको और इसको छोड़ देंगे 1 माइनस 1 0 हो गया. अब इसके लिए इस रो को डिलीट कर दिया, इस कॉलम को, तो 1 और प्लस 2 यानी माइनस के 2. अब यहाँ से तो 3 माइनस 1 2, अब इसको और इसको डिलीट कर देंगे तो माइनस 3 यानी माइनस के 5, तो यानी प्लस के 5. फाइनली इसको 1 प्लस 2 यानी 3, ठीक है. इसका क्या करना है, ट्रांसपोज, क्योंकि एडजॉइंट क्या होता है, कोफैक्टर के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है. तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए, इसका ट्रांसपोज कर देंगे अपन, 4 माइनस 5 और 1, 2 0 और माइनस 2 और ये कितना हो गया, 2 5 और 3. तो ये अपने पास क्या आ गया, एडजॉइंट आ गया. अब एडजॉइंट आ गया तो अब अपन यहाँ से बात क्या करते हैं कि हमारे पास किसकी ज़रूरत पड़ेगी, देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी की ज़रूरत पड़ने वाली है. तो एडजॉइंट ऑफ ए अपने पास कितना है, 4 2 2 माइनस 5 0 और 5 और ये 1 माइनस 2 और 3. बी अपने पास कितना है, 4 0 और 2. अब आप देखो दोनों को क्या कर दें, प्रोडक्ट कर दें. तो प्रोडक्ट करने पे अपने पास कितना आ रहा है, ये रोज हैं और ये कॉलम्स हैं. तो इससे ही होगा 16 प्लस 0 प्लस 4, इसको इससे करेंगे माइनस 20, ये 0 और ये 10, ये 4 ये 0 और ये 6. अब आप देख पा रहे हैं इसको कि हमारे पास क्या बन गया, ये 20, ये कितना, माइनस का 10 और ये 10. तो ये कॉलम मैट्रिक्स आ गया अपने पास एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी.
ठीक है। अब यहां से आप देखो कि हमारा सॉल्यूशन होता क्या है, सिंस एक्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, ठीक है, तो ये कितना हो गया अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करेंगे तो ये तो हो गया एक्स वाई और जेड। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है, 10, ये 10 बाहर आ गया और ये मैट्रिक्स है 20 माइनस 10 और 10। अब अंदर इसको प्रोडक्ट कर दो तो एक्स वाई और जेड 10 से 2 माइनस 1 और 1। अब आप देखो ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, सेम है, ऑर्डर भी सेम है, एलिमेंट भी सेम, तो हम क्या कह सकते हैं, देयर फोर एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया 2, वाई इज इक्वल टू माइनस 1 और जेड इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास क्या आ गए, सॉल्यूशन आ गया किसका, इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का। सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, फिर एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेंगे, उसका प्रोडक्ट कर देंगे किसके साथ कर देंगे, बी के साथ, ठीक है, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर देंगे और दोनों मैट्रिक्स की कंपेयर कर देंगे। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं मैट्रिक्स मेथड से इसी तरीके से क्या होंगे, सॉल्व होंगे। अब और एक क्वेश्चन लेते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है देखिए, ये कह रहा है फाइंड के इफ सिस्टम थ्री एक्स माइनस के वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस थ्री वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, एंड थर्ड हमारे पास क्या है, एक्स प्लस के वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0 हैज नॉन जीरो सॉल्यूशन, नॉन जीरो सॉल्यूशन है। अब आप मेरे को एक बात बताएं, यहां पे आप देख रहे हो सॉल्यूशन की जब अपन बात करेंगे बाय द सिस्टम, हमारे पास सिस्टम में क्या दिखाई दे रहा है, ए एक्स इज इक्वल टू 0, समझ गए, होमोजीनियस है, ठीक है ना, कैसा है सिस्टम, होमोजीनियस है। अब होमोजीनियस है तो आपके पास दो ही कैटेगरी, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 और एक्स वाई जेड सब 0, तो इसका मतलब वो तो 0 लेकिन ये कैसा रहा, नॉन जीरो, ठीक है ना, एंड नॉन जीरो सॉल्यूशन, इसका मतलब कैसा सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, दो ही कैटेगरी होती है उसमें, एक तो जीरो सॉल्यूशन एक इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। तो यहां से अपन सॉल्व करते हैं डिटरमिनेंट को, ये कितना आएगा अपने पास 3 माइनस के माइनस 1, ये कितना है 1 माइनस 3 1 और ये 1 के और माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 3 इंटू 3 माइनस के प्लस के, इसको सॉल्व कर देंगे तो माइनस 1 माइनस 1 और ये माइनस 1, तो के प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो कितना हो गया 9 माइनस 3 के माइनस के 2 के माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो अपने पास ये टोटल कितना हो गया माइनस के 6 के और ये प्लस के 6 इज इक्वल टू 0, तो हम ये क्या कह सकते हैं 6 के इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, तो के इज इक्वल टू 6 बाई 6, तो के इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से अगर k की वैल्यू कितनी हो जाए 1, तो ये सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, नॉन जीरो सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें ध्यान देना है
कि हमारा सिस्टम कैसा है और हमसे क्या पूछ रहा है और किस तरीके से हमें इसके जो नॉट है या जो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है वो किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये था मैट्रिक्स मेथड, आप इसको इस तरीके से फॉलो करके इस तरीके की प्रॉब्लम से सॉल्व कर सकते हैं। ओके।